नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज दिन के 11 बजे N64 पहाड़पुर रोड में यूनिकॉर्न हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का ग्रैंड इनॉग्रेशन अमल में आया। इस मौके पर मौजूद थे जनाब रंजीत सिल साहब, चेयरमैन बोरो 15, जनाब बाबूलाल लस्कर साहब, जनाब शेख मुश्ताक बच्चूदा वार्ड नंबर 139 के काउंसलर जनाब अबू तारिक मुल्ला साहब, वार्ड नंबर 140 के काउंसलर मोहतरमा फरीदा परवीन साहिबा, वार्ड नंबर 138 की काउंसलर और डॉक्टर्स की पूरी टीम। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ गए हैं सतेंद्र सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है महिसर लगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐतिहासिक कदम बाबूलाल जी की तरफ से और मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल यूनिपॉल का इनॉग्रेशन? सर देखिए, आज तो ऐतिहासिक पहल वो किए ही हैं। हमारे मटिया ब्रज विधानसभा और पोर्ट बंदर इलाका के लिए ये बहुत बड़ा ही गर्व का बात है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल बना है, इसमें जो भी मरीज आएगा वो दूसरे जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। सभी तरह का यहाँ व्यवस्था है, आपका बच्चे लोग का भी अलग से व्यवस्था है, 200 यहाँ बेड है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि जिस तरह से बनाए, हम लोग का पोर्ट बंदर इलाका का भी कुछ नज़दीकी है जो यहाँ आ सकता है, मटिया ब्रिज गार्डन जिससे आ सकता है। यहाँ एक ही बात बाबूलाल दास से अनुरोध करें कि सफाई पर व्यवस्था कीजिएगा। अभी हर एक आदमी के पास पैसा है, सब चाहता है कि पैसा ज़्यादा लगे लेकिन साफ़ सुथरा हॉस्पिटल में हम जाए। तो हम तो आशा करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बना है, साफ़ सुथरा है, यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर आएंगे। सतेंद्र सिंह जी, जिस तरह से बंगाल में देखा गया हेल्थ और एजुकेशन पर काम चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या लगता है आने वाले दिनों में और हेल्थ के ऊपर काम होगा? हाँ, हेल्थ ही ऐसा चीज़ है कि आप सेवा का भी काम कर रहे हैं और इसमें कुछ जो बेरोजगार है उसका रोजी रोटी भी चलता है, ये तो बहुत बड़ा काम किए हैं बाबूलाल जी। और ये आपके वार्ड से बहुत करीब है सर, क्या कहना चाहेंगे? हम जो है पड़ोसी वार्ड हैं, 3 बिल्डिंग के बाद ही हमारा 1 नंबर वार्ड शुरू होता है। हमारे तरफ से हम लोग 3-4 दिन पहले भी आए थे विमानदा के साथ में, यहाँ इंस्पेक्शन किए थे। हम लोग का यही है, हम लोग से जो भी मदद होगा इनको करेंगे, हॉस्पिटल अच्छा से चले यही आशा करते हैं। सोनू साहब, क्या कहना चाहेंगे सर एक ऐतिहासिक कदम बाबूलाल जी की तरफ से? बाबूलाल जी देखिए, एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर है और अच्छे एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इससे पहले भी मैं 4-5 साल आगे आया था, बगल में एक आगे में एक हॉस्पिटल का ओपनिंग किए थे, वो भी इससे आगे भी एक हॉस्पिटल है, ये दूसरी हॉस्पिटल में मैं आया हूँ और ये काफ़ी बड़ा है उससे, वो छोटा ही है, बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, उनका ख्यालात जो है पब्लिक का सेवा करना, और हॉस्पिटल से अच्छा कोई सेवा नहीं होता है जो पब्लिक का सेवा करना। और जो मैं घूर के देखा ऊपर में, भी सतेंद्र जी बता रहे थे, ये हमारे दोस्त हैं, ये जो बता रहे थे अभी, वाकई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और साफ़ सुथरे की ज़रूरत है। बाबूलाल जी ऐसे साफ सुथरे रहते हैं और इसको भी साफ सुथरा रखेंगे, जनता का सेवा जरूर करेंगे। बाबूलाल जी जो इस तरह से प्रोग्राम लिए हैं, एक इनॉग्रेशन किए हैं, जाहिर सी बात है गार्डन मटियापुर की जो आबादी है 15 से 20 लाख ज़्यादा से लोगों की, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, ये हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, जो बाबूलाल जी फिलफिल कर दिए इसको कि यहाँ की जनता का अगर कोई प्रॉब्लम होता है और हर तरह का पब्लिक को जाने, बच्चे की भी देखा, बड़े के भी देखा, आईसीयू रूम देखा, बड़े बड़े मशीन देखा यहाँ पर। तो ये उनकी ख्वाहिश है कि इस एरिया के अंदर में डेवलपमेंट करने की, तो ये अच्छा डेवलपमेंट देखा इस एरिया के अंदर में, उम्मीद है ऐसे और भी लोग आगे आएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं समीम अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे एक मल्टी हॉस्पिटल यूनिकॉर्न का इनॉग्रेशन आज? सर, मैं यहाँ के जो किए हैं करता धरता जो बाबूलाल जी, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें गार्डनी चा मटियापुर के लोगों को और बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, मेन से आईसीयू के लिए। यहाँ पर आईसीयू का कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर आईसीयू का व्यवस्था है तो खिदरपुर इकबालपुर में है, इधर है, अब वहाँ जाते जाते बेड नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीबों को जाना पड़ता है। इन्होंने जो काम किया है वाकई एक काबिल तारीफ काम है, यहाँ के आवाम के लिए एक तोहफा दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, नए साल का शुभकामना देता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे स्कूलों
हॉस्पिटल को चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ गार्डनिश मटिया भुज के लोगों को भी एक स्कूल का, ये मेरा शौक़ है, ये यहाँ के लोगों को दें, यहाँ के बच्चियों के तालीम के लिए आगे करें। मैं बस यही कहना चाहूँ इनसे, जिस तरह से आप सोशल वर्क करते हैं और लोगों के बीच जुड़े रहते हैं, और उस तरह से देखा जाए तो वाकई एक पैगाम जाता है, सभी लोग इस तरह से काम से जुड़े रहें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देखिए सर, मैं गार्डनशिप बिल्डर के अंदर में, हमारे अंडर में 1600 बच्चे काम करते हैं, और डिफेंस की फैक्ट्री है, और हमारे पार्टी के आदेश के हिसाब से मुझे अपना काम अंजाम देना पड़ता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नेताजी ने स्टेडियम में श्रीमती ममता जी ने यह पैगाम दिया कि किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा हो, संग संग उससे सोल्यूशन किया जाए। यहाँ तक का हमारे मेयर फराज हकीम साहब को भी बोला गया, मलाई घरट को भी बुला के दीदी ने बाकायदा स्टेज पर बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को काम मिले और कोई समस्या ना हो फैक्ट्री में किसी काम करने वाले लोगों को। मैं आज से नहीं, 25 साल हो गया मुझे स्टेट यूनियन की दुनिया में, मैं CPM के टाइम से मैं करता चला आ रहा हूँ। आज मैं, हमारी पार्टी तो अभी 12 साल हुई आई हुई है, इससे पहले मैं CPM के दौर में बहुत थारे चोट खाकर मैं यहाँ के लोकल नौजवानों के लिए जो बनाया हूँ मैं, तो ये आप भी देखा जा रहा है TMC के लीडर है, जिस तरह से CM काम कर रही हैं हेल्थ एजुकेशन पे, क्या कहना चाहेगा सलीम अंसारी? मैं यही कहना चाहता हूँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं सचमुच एक काबिल तारीफ़ है। मैं हिंदुस्तान के अंदर में, मैं पश्चिम बंगाल के अंदर में जो उद्यति है और जिस तरह से इन्होंने ये काम को अंजाम दे रही हैं, आने वाला वक्त एक नंबर पर जाएगा पश्चिम बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप देख रही हैं समीम अंसारी साहब हैं जो कि GRSE में लीडर भी हैं और TMC से ताल्लुक़ रखते हैं इनका, जिस तरह से बता रहे हैं CM ममता बनर्जी का पैगाम है, इसी तरह से हेल्थ एजुकेशन पे काम होना चाहिए सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।